Good morning, mommies. Welcome to preschool education. And today's topic is very important. Can you guess कि ये क्या हो सकता है आज का टॉपिक? Yes. कि 3 साल के बच्चे को आप राइटिंग कैसे सिखाएं? Because अभी तो सारे बच्चे घर पे ही हैं. And आप 3 साल के बच्चे को कैसे घर पे राइटिंग सिखा सकते हो? उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो हमें उसके लिए चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग करेंगे स्ट्रोक्स के साथ. ओके, जो लाइन स्ट्रोक्स हैं उनके साथ हम स्टार्ट करेंगे. तो उसके लिए हमें चाहिए ये 4 रूल की बुक, नोटबुक. ओके, एंड 1 पेंसिल. मैं तो यहाँ पर पेंसिल लिखूंगी, बट यू हैव टू स्टार्ट विद योर किड विद पेंसिल. कि बच्चे को कैसे लिखना है, आप उन्हें कैसे लिखना सिखाओगे, कहाँ से वो स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे एंडिंग पॉइंट है. ओके, तो ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आज की डेट लिख लेते हैं. ओके, नाउ सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होता है स्ट्रोक्स के साथ. तो सबसे पहला जो स्ट्रोक है, दिस इज स्टैंडिंग लाइन. ओके, ये कौन सी लाइन है? स्टैंडिंग लाइन. जब भी हम बच्चों को लिखा रहे हैं, छोटे बच्चों को, स्पेशली 3 ईयर्स ओल्ड किड, जिनको हम स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल, तो उनको हम सिखाते हैं स्टैंडिंग लाइन. उसके लिए अब यहाँ पर आपको 1st to 3rd लाइन तक ये लाइन्स को ड्रॉ करना है लाइक दिस. ओके, और 1 फुल पेज बच्चे को इसे लिखने के लिए देना है. डेली आपको इस तरीके से करवाना है तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. तो ये सबसे फर्स्ट जब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे को लिखाना, वी हैव टू मेक स्टैंडिंग लाइन, और इस तरह की स्टैंडिंग लाइन, एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस वन इज एंडिंग पॉइंट. ओके, ये आपको बताना है कि प्लीज पुट योर पेंसिल ऑन डॉट एंड मेक 1 स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इज स्लीपिंग लाइन. यस, दिस इज कॉल्ड स्लीपिंग लाइन. अब हम यहां पर बनाएंगे ऐसी स्लीपिंग लाइन्स. ओके, एंड यू हैव टू गिव डॉट्स लाइक दिस. ये आपको देने हैं डॉट्स. हाँ, अगर आपका बच्चा ही इज एबल टू राइट विदाउट पुटिंग द डॉट्स तो यू कैन डू, आप कर सकते हो. बट इस तरह से डॉट्स दीजिए तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है करवाना. तो अब ये हमने कर लिया. अब प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ये हैं. ओके, 1 स्टैंडिंग लाइन, देन 1 स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, और यहाँ पर हमें डॉट्स, यू हैव टू पुट डॉट्स लाइक दिस. ओके, ये आपको फुल पेज देना है. अब ये होते हैं स्ट्रोक्स, और जब भी बच्चा लिख रहा है, इफ किड इज राइटिंग, तो आपको उसे बोलना है कि बेटा आपको यू हैव टू स्पीक एंड राइट. और ये जो डॉट्स हैं ये भी आपको प्रॉपर सीक्वेंस में देने हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़े से इधर जा रहे हैं या उधर जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है. ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा आता है, नेक्स्ट आते हैं राइट स्लैंटिंग लाइन. ओके, दिस इज राइट स्लैंटिंग लाइन. यहाँ पर आपको सेम लाइंस बनानी है ऐसे, एंड यू विल गिव टू किड to write the lines. okay, यहाँ पर you have to put dots like this. and I am sure कि these all steps are very very going to very useful to all. इस तरीके से आप दीजिए. इसके बाद left slanting line. okay, same आपको देना है. यस, और ये डॉट्स आपको ज़रूर देने हैं. यू विल पुट द डॉट्स. यस, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन एंड राइट स्लैंटिंग लाइन. तो नाउ अब हम यहाँ पर
सारी लाइन्स का एक बार, ये होती हैं, दीज ऑल आर लाइन स्ट्रोक्स. ओके, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग एंड लेफ्ट स्लैंटिंग. ओके, ये लाइंस आपको करवानी है और फुल पेज यू विल गिव एंड अगेन स्लीपिंग लाइन लाइक दिस. इस तरीके से आपको टू थ्री टाइम्स प्रैक्टिस करवाना है. 2-3 पेजेस आप लोगे एंड यू हैव टू गिव द वर्क फॉर प्रैक्टिस एवरी डे. और जब हम डॉट्स देते हैं बच्चों को तो थोड़ा सा इजी हो जाता है उससे लिखना. अब इसके बाद जब लाइन स्ट्रोक्स हमारे फिनिश हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोग बच्चों को सिखाते हैं अल्फ़ाबेट्स. ओके, अल्फ़ाबेट्स विद लाइन स्ट्रोक. अब कौन से अल्फ़ाबेट हैं, वो सबसे फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज ए. हेयर आई एम ट्रेसिंग एन एप्पल ऑल्सो, क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है बच्चों के लिए पिक्चर के थ्रू इसको रिकॉग्नाइज करना. ओके, हेयर आई विल राइट ए, लेफ्ट स्लैंटिंग एंड राइट, और आपको इसे नीचे तक डॉट्स देने. ओके, इस तरह से आप कॉपी भी अपने बच्चे की मेंटेन करिए स्टेप बाय स्टेप, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. अब ये है, दिस इज ए, ए फॉर ए सेज एप्पल. ओके, नाउ नेक्स्ट, ए के बाद जो अल्फाबेट आता है वो होता है बी, बट यहाँ पर हम बी नहीं लिखेंगे. वाई, क्योंकि ये किसके साथ कंप्लीट होता है, कर्व के साथ. तो अभी हमने कर्व नहीं बताया है यहाँ पर. ओनली टूडे वी आर गोइंग टू लर्न लाइन स्ट्रोक्स. सी नो, डी नो. तो नेक्स्ट वन इज ई. ई फॉर एलिफेंट. ओके, ई फॉर एलिफेंट, यहां पर आप ई लिख के दे देंगे और बच्चा इन सब की प्रैक्टिस करेगा. ये तो मैं लेटर इज बी, बट बी को हम नहीं लेंगे बिकॉज इट इज फॉर्म विद अ कर्व. ठीक है ना, तो नो. सी, इट इज ऑल्सो विद कर्व. डी, इट इज ऑल्सो विद कर्व. तो That's why our next letter is letter E. One standing line, sleeping, three sleeping lines. Okay, this is letter E. E for elephant. Yes, E for elephant. Yes, and you have to say to them कि do color the picture, okay? इस तरह से आप पिक्चर के साथ बनाएंगे तो बच्चे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके करेंगे. ओके, अब यहाँ पर मैं ई लिखती हूँ, देखिए, वन स्टैंडिंग लाइन्स एंड थ्री स्लीपिंग लाइन्स. वन स्टैंडिंग थ्री स्लीपिंग लाइन्स एंड यू हैव टू गिव डॉट्स लाइक दिस. 5 डॉट्स आपको देने हैं इसके लिए. ओके, 5 डॉट्स आप यहाँ पर देंगे और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लिखवाना है इन्हें डॉट्स पे. लाइक दिस, तो वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग, स्मॉल एंड बिग स्लीपिंग. ओके, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, वन स्लीपिंग, टू, थ्री, लाइक दिस. तो ये ऐसे आपको करवाना है. अब मैं आपको बताऊंगी इसके बाद
सारे जो लाइन्स लाइन स्ट्रोक्स के साथ जो लेटर्स हम लिखते हैं, लाइन स्ट्रोक्स लेटर, ओके, तो ये है ए ई एफ एच आई एल एम एन टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड. दीज ऑल आर लाइन स्ट्रोक्स लेटर्स. ओके, अब यहाँ पर हेयर आई एम शोइंग यू कि इन सब लेटर्स के लिए आप किस तरह से डॉट्स बच्चों के लिए पुट कर सकते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले ए के लिए लाइक दिस, थ्री डॉट्स यू हैव टू गिव फॉर ए लेटर. ई के लिए यू हैव टू गिव फाइव डॉट्स. ओके, ये आपको इनिशियल देना होता है, लेकिन फिर जैसे ही बच्चा ये लिखना सीख जाता है एक बार, तो फिर ये देने की ज़रूरत नहीं है. ओके, और एवरी डे आपको एक एक पेज, वन फुल पेज, जैसे ये वन फुल पेज आपको प्रैक्टिस करवानी है. एफ like this, okay. Now for H, H के लिए आप फोर डॉट्स देंगे, इसीलिए मैं आपको सारे लेटर्स के लिए दिखा दे रही हूँ. I, ओके, एल, एम, एन. आई एम श्योर कि अगर आप इस तरीके से बच्चे को करवाओगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर हिम और हर. ये उसके लिए बहुत ही इजी होगा. बस आपको करना ये है कि एवरी डे यू हैव टू टेक वन फुल पेज एवरी डे, और वन लेटर के लिए आपको कम से कम थ्री और फोर डेज देने होंगे. ओके, टी, और ये जो जितने भी डॉट्स मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं. वी, यस, अगर आप इस तरह से डॉट्स के साथ आप बच्चों को देंगे तो वो बहुत ही इजीली इजी वे में ये कर लेंगे. फर्स्ट टू थर्ड लाइन, ओके, फर्स्ट लाइन एंड फर्स्ट टू थर्ड लाइन. नाउ नेक्स्ट एक्स, Y, and Z. I hope कि ये वीडियो आपको लिए बहुत हेल्पफुल होगा. ओके, एंड इफ मैं आपको कुछ रूल्स बताने जा रही हूँ, कुछ टिप्स हैं जिनके थ्रू आप बच्चे को इजीली राइटिंग करा पाएंगे. अगर बच्चा इस तरह की कॉपीज में लिखने में स्टार्टिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो डोंट वरी अबाउट इट, आप इस तरह के शीट्स में उन्हें वर्क करवा सकते हो. ठीक है ना, यहाँ पर यू हैव टू मेक वन स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस. ओके, एंड से टू देम कि ट्रेस द लाइन हेयर. यहाँ पर आप इस तरह से लाइंस को ट्रेस करवा सकते हो.
एंड नाउ सेकेंड नंबर टिप इज कि आपको ध्यान रख सिट अलॉन्ग विद योर चाइल्ड, आपको अपने बच्चे के साथ बैठना है, उसको काम दे के छोड़ना नहीं है, ओके. एंड द थर्ड टिप इज कि पेंसिल, होल्ड द पेंसिल प्रॉपरली. जब भी बच्चा पेंसिल को होल्ड कर रहा है तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि वो कैसे पेंसिल को होल्ड कर रहा है, इस तरीके से या इस तरीके से, ऐसे पेंसिल को होल्ड नहीं करना है, ओके. कई बच्चे मैंने देखा है कि यहाँ से पेंसिल होल्ड करते हैं, नो. तो आपको उसे एक प्रॉपर तरीका बताना है पेंसिल को होल्ड करने का. एंड नेक्स्ट टिप इज पोस्चर ऑफ योर किड. आपको ये देखना है कि बच्चे का पोस्चर कैसा है. बैठते टाइम आपको उसे एक चेयर और एक टेबल प्रोवाइड करना है, ओके. क्योंकि नीचे बैठकर या किचन में बैठकर इस तरीके से काम नहीं करवाना है. पोस्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग. अगर आपको एक अच्छी गुड हैंड राइटिंग चाहिए तो उसके लिए पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड नेक्स्ट थिंग इज कि नेक्स्ट ट्रिप इज रूटीन. तो आपको एवरी डे एक रूटीन बनाना है और सेम टाइम पर. ऐसा नहीं कि कभी आप सुबह काम करा रहे हो, कभी शाम में. बच्चे को एक नैप लेने के बाद, आफ्टरनून में जब वो नैप ले लेता है उसके बाद आप काम करवाएंगे तो वो बहुत अच्छे से कर पाएगा, है ना. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एवरी डे आपको एक रूटीन बनाना है. एंड मेंटेन द कॉपी ऑल्सो. उसकी जो कॉपी है वो प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए. अगर आप कॉपी प्रॉपरली मेंटेन नहीं करोगे तो बच्चे को फिर करने में इंटरेस्ट नहीं आता. और इट शुड बी कलरफुल ऑल्सो. थोड़ी सी उस कॉपी को आप कलरफुल बनाइएगा. सिर्फ पेन से, ब्लू कलर पेन से लिख दें तो नो. तो आपको उसे कलरफुल बनाना है विद पिक्चर, विद लिटिल एक्टिविटीज एंड ट्रेस द पिक्चर ऑल्सो. से टू देम कि इसको कलर आप करो. तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी कर देगा बच्चे को राइटिंग कराना. आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, हैप्पी पेरेंटिंग टू ऑल.